वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न हेयर स्टाइल फॉर एंगेजमेंट। तो ये एंगेजमेंट मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था, तो ये हेयर स्टाइल भी बनाया था। तो मेकअप लुक अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। तो आज की वीडियो में मैं ये हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बालों में अच्छे से कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद सारे बालों में मैं लाइट क्रिम्पिंग करूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी बालों में ये हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट कर सकती हैं, पर मैंने सारे बालों में एक लाइट क्रिम्पिंग की है, क्योंकि क्रिम्पिंग करने से क्या होता है कि बालों में कोई भी हेयर स्टाइल थोड़ी ईजिली बन जाती है और थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ जाता है। तो सबसे पहले मैं सारे बालों में क्रिम्पिंग करूँगी। वैसे ये हेयर स्टाइल बिना क्रिम्पिंग के भी बहुत ईजिली बन जाएगी, क्योंकि इसमें कर्ल भी करना है। तो सबसे पहले बालों को इस तरह से ऊपर टाई कर लिया, थोड़े बाल नीचे छोड़ के सारे बालों में क्रिम्पिंग कर लूँगी। यहाँ ऑलमोस्ट सारे बालों में क्रिम्पिंग हो गई है। सारे बालों में क्रिम्पिंग करते हुए मैंने नहीं दिखाया, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो सारे बालों में क्रिम्पिंग हो गई, अब बालों में कर्ल करना है। तो ऊपर के पूरा बाल लेके और उसमें क्लेचर लगा लेना है, देन नीचे से थोड़े से बाल छोड़ के उसमें स्टार्ट करना है कर्ल करना। तो पतले पतले लेयर लेके और ये कलर से मैं कर्ल कर रही हूँ। तो नीचे के बालों को कर्ल करने के बाद मैं हेयर एक्सटेंशन लगाऊंगी। तो हेयर एक्सटेंशन में कर्ल हो रखा है, तो इसीलिए पहले मैं नीचे के बालों को कर्ल कर ले रही हूँ, ताकि एक्सटेंशन के साथ मिक्स मैच हो सके। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको हेयर एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे बाल छोटे हैं इसलिए मुझे हेयर एक्सटेंशन लगाना पड़ रहा है। तो अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप विदाउट हेयर एक्सटेंशन इस हेयर स्टाइल को बहुत ईजीली बना पाएंगे। तो इतने सेक्शन तक मैं कर्ल कर लूँगी, उसके बाद एक्सटेंशन को ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ हेयर एक्सटेंशन, ये कर्ल वाले हेयर एक्सटेंशन है, और इसको लेके इसमें 4 क्लिप्स लगी हुई हैं। तो सबसे पहले क्लिप्स को सारे क्लिप्स को ओपन कर लूँगी, उसके बाद अपने बालों के साथ इसे अटैच करूँगी। तो लगाना बहुत ईजी है, बस इसको क्या करना है, पीछे के साइड ले जाके ऊपर इस तरह से बीच में रख के दिन सारे क्लिप को बालों के साथ टक कर लेना है, बंद कर लेना है इस तरह से। आप चाहे अगर आपको लगे लूज है या फिर निकलने का चांस है तो आप इस पे बॉबी पिन से भी अटैच कर सकती हैं, वैसे ये खुलता नहीं है अगर आप बढ़िया से लगा लिए हैं तो। उसके बाद क्या करना है, जो आगे बालों को मैंने क्लचर लगाया उसको ओपन करके और कॉम करके दिन मिडिल पार्ट से पार्टीशन कर लेना है। उसके बाद ऊपर के साइड क्राउन से थोड़ा पीछे के जो बाल हैं, लास्ट वाले बालों को थोड़े बाल लेके और एक पोनी टेल टाई करनी है बीच में इस तरह से, पतले रबन बैंड से पोनी टेल टाई कर लेनी है। पोनी टेल को थोड़ा सा टाइट करना है और फ्रंट के साइड लाके एक
इस पे इस तरह से बॉबी पिन लगा लेना है, एक या दो बॉबी पिन लगा सकती हैं। देन अब क्या करना है कि अब हमें चाहिए कि हेयर स्टफ, तो मैंने इस तरह का हेयर स्टफ लिया है, थोड़ा सा हैवी थोड़ा सा बड़ा हेयर स्टफ आप यूज़ करिए, तभी अच्छे से बालों का लुक आएगा बाद में। तो इस तरह से हेयर स्टफ लगा के उसे यू पिन से चारों तरफ से सिक्योर कर लेना है, अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। अब उसको क्या करना है कि पोनीटेल के बालों को लेना है और उसमें बैक कॉम करना अच्छे से, देन हेयर स्प्रे डालना है। हेयर स्प्रे डालने के बाद इस तरह से हेयर स्टेप को अभी के लिए हाइड करना है इस तरह से, और जितने भी आगे के बाल हैं उनको पतला पतला लेयर लेके और बैक कॉम्बिंग करके इस तरह से बैक साइड में कर लेना है। तो पतला पतला लेयर लेके और बैक कॉम्बिंग करनी है, देन हेयर स्प्रे डालना है, देन ऊपर से हल्का सा कॉम करके और पीछे की साइड कर लेना है। तो जो फ्रंट के जितने भी हेयर हैं सारे हेयर में इस तरह से कर लेना, बस आगे के थोड़े से हेयर छोड़ने हैं। थोड़ा सा इस तरह से करने के बाद साइड साइड पे मैंने ये स्टिक लगा दिया है ताकि बाल नीचे की तरफ ना गिरे, और उसके बाद फिर से पतले पतले लेयर लेके उसमें बैक कॉम्बिंग करके देन हेयर स्प्रे डाला है, देन बैक साइड भी कर लिया है। तो इस तरह से करने के बाद अब फ्रंट में थोड़े से हेयर बचे हैं जो साइड के, उसको ऐसे ही रहना देना है, एक साइड कर लेना है, स्टिक को निकाल लेना है जो साइड में हमने लगाया था एक तरफ स्टिक, और ऊपर के साइड इस तरह से बालों को हल्का सा ऊपर से कॉम करने के बाद देन बीच में इस तरह से प्रेशर देके बॉबी पिन लगा लेना एक लाइन से। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्योंकि जो हमने स्टफ लगाया है वो बैक साइड में है, मतलब पीछे है, आगे हमने कोई भी स्टफ नहीं लगाया है पफ के लिए। ये बैक कॉम्बिंग करने से पफ बना है, बैक कॉम्बिंग करके ही पफ बना है आगे का, और जो हमने हेयर स्टफिंग डाली है वो बैक साइड में, ये ध्यान रहे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि गलती से लोग उसे समझ लेते हैं कि आगे है और जो बॉबी पिन लगाते हैं वो पीछे जाके लगाते हैं, तो बॉबी पिन को बीच में लगाना है। इस तरह से कई बॉबी पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेना इस जगह के पे जहाँ मैं बॉबी पिन लगा रही हूँ। तो ऊपर से थोड़ी सी फिनिशिंग देके देन बॉबी पिन को अच्छे से लगा लेना एक लाइन से। फ्रंट में जो बाल निकाले थे उनको साइड में कर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि जो बैक साइड के बाल हैं ऊपर से भी गए हैं उनको लेना है पतला पतला लेयर लेके और कलर से कर्ल करना है। तो इस तरह से कर्ल कर लेना है। सच बताऊँ तो ये हेयर स्टाइल खुद के हेयर में बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जब हम दूसरे के हेयर में बनाते हैं तो बहुत ईजली बन जाता है, लेकिन अगर खुद के हेयर में बनाते हैं तो थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि बैक साइड में कुछ दिखता नहीं है, कर्ल करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, बैक साइड से जो भी काम होते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से थोड़ी कोशिश करके बनाएंगे तो इजीली हेयर स्टाइल बना ले जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये हेयर स्टाइल बनने के बाद, बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो कर्ल करने के बाद हेयर स्प्रे डाल देना है, दूसरे साइड भी ऐसे पतला पतला लेयर लेके कर्ल कर लेना है ताकि बैक से देखने में सारे बाल कर्ल दिखें, इसीलिए सारे बालों को ध्यान से कर्ल कर लेना है। देन अब फ्रंट में आना, जो हमने बालों को लेयर निकाला था उसको कर्ल कर लेना है। तो इस तरह से पतला पतला लेयर लेके दोनों साइड कर्ल कर लेना। आप चाहें तो मिडिल पार्ट से भी पार्टीशन कर सकते हैं, यहाँ मैंने साइड पार्टीशन किया है। अगर आपको इतने बाल नहीं निकालना है तो आप मिडिल से बालों को ऊपर के साइड ले जाके बॉबी पिन लगा सकते हैं, बस साइड साइड से थोड़े थोड़े बाल निकाल के कर्ल कर लीजिए, जैसे आपको पसंद हो आप फ्रंट में कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे बालों को कर्ल कर ले रही हूँ दोनों साइड के बालों को, और बालों को कर्ल करने के बाद फिंगर हेल्प से हल्का सा ओपन कर लूँगी।
दिन में ये लीफ सिल्वर क्रिस्टल वाला हेयर एक्सेसरीज यहाँ पर लगा रही हूँ, जहाँ मैं बॉबी पिन लगाया, दोनों तरफ बॉबी पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई और हेयर एक्सेसरीज भी यहाँ लगा सकती हैं, आप चाहे तो छोटा सा क्राउन भी लगा सकती हो, वो भी बहुत सुंदर लगता है। देन कर्ल जो कर्ल किया फ्रंट में, उसमें हेयर स्प्रे डाल देना है, सारे बालों में एक बार हेयर स्प्रे लास्ट में डाल देना है तो फाइनल टच देने के लिए। तो ये है फिनिश फाइनल लुक। तो पर्सनली ये हेयर स्टाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी खुद से होती है, लेकिन बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है। और ये हेयर स्टाइल काफ़ी ट्रेंड में है आजकल, और आप इसे एंगेजमेंट के लिए भी बना सकते हैं, ऐसे भी पार्टी फंक्शन में जाने के लिए है बना सकती हैं, क्योंकि ये हेयर स्टाइल बनने के बाद आपका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। और हाँ, मेरा मेकअप वीडियो ज़रूर देखिएगा, बाय गाइज।